प्रेगनेंसी में कैल्शियम की टैबलेट कब से कब तक लेनी चाहिए? हमारे डॉक्टर ने हमें डिलीवरी के बाद भी हमें दी है 6 महीने तक, तो क्या हमें लेनी चाहिए या फिर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है? इस तरह के काफ़ी आप लोगों के सवाल आते हैं, तो कब से कब तक लेनी चाहिए, कितनी डोज लेनी चाहिए, इस वीडियो में जानेंगे और किन बातों का आपको ध्यान रखना है ना। तो देखिए, कैल्शियम की टैबलेट डॉक्टर आपको जो चौथा महीना आपका लग जाता है प्रेगनेंसी का, वहाँ से आपको देते हैं। दिन में 2 बार आपको लेनी होती है, 500 mg सुबह, 500 mg शाम को, तो दोनों टाइम आपको लेनी जरूरी है। क्योंकि देखिए, कई महिलाएं कहती हैं हमारे शरीर में तो कैल्शियम की कमी नहीं है, तो महिलाएं लेना बंद कर देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, क्योंकि आपके गर्भ में बच्चा है, तो यहाँ पे उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी हड्डियों के अच्छे विकास के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि बच्चे को आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम ना आए, तो जरूर लीजिए। अब महिलाओं का सवाल होता है कि डिलीवरी हमारी हो गई है तो उसके बाद भी हमें लेना चाहिए क्या? डॉक्टर ने हमें 6 महीने की और दी है टेबलेट, तो बिल्कुल आपको लेना है। बच्चा आपका दूध पी रहा है, स्तनपान कर रहा है, तब भी महिला को लेनी चाहिए, ताकि महिला के शरीर में कोई कमजोरी ना हो, है ना, सब कुछ ठीक रहे। क्योंकि बच्चा जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो मदर की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो यहाँ पे जो है आपको 6 महीने तक लेनी ही लेनी चाहिए, है ना, ताकि मदर को आगे चल के कोई कमजोरी ना हो। डिलीवरी के बाद कई महिलाओं की शिकायत होती है कि हमें काफ़ी कमजोरी हो रही है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, तो वो इसी कारण आपका होता है, तो स्किप नहीं करना है, आपको जरूर लेना चाहिए। इसके दौरान जैसे आप कैल्शियम की टैबलेट ले रहे हैं, तो उसके दौरान यानी कि उसके साथ आपको आयरन की टैबलेट, मल्टीविटामिन जो भी डॉक्टर अगर आपको दे रहे हैं, कई बार विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो डॉक्टर उसकी भी टैबलेट आपको देते हैं, तो दोनों को साथ में नहीं लेना है। क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। अगर आप इसके साथ आयरन की दवाई भी ले रहे हैं प्रेगनेंसी में, जो कि दी जाती है 4th महीने से, है ना, तो आपको उसके साथ नहीं लेनी है, यानी दोनों टैबलेट को एक साथ नहीं लेना है। कैल्शियम सुबह ले रहे हैं तो दिन में आपको आयरन लेना है, इस तरीके से आपको लेना है, एक साथ नहीं लेना है। क्योंकि जो कैल्शियम है आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोक देता है, शरीर में नहीं लगने देता, और फिर कोई फायदा आपको नहीं होगा टैबलेट लेने का, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि डॉक्टर आपकी कंडीशन को देखते हुए प्रेगनेंसी में शुरुआत से ही जो है, जब आपने कंसीव कर लिया है, आयरन कैल्शियम दे सकते हैं। अगर आपकी ब्लड रिपोर्ट में पाया गया कमी है आयरन की, कैल्शियम की, है ना, तो शुरुआत से भी दे सकते हैं, ताकि बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो, है ना, कोई प्रॉब्लम ना आए, मिसकैरेज वगैरह का खतरा ना रहे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के प्रेगनेंसी में काम आने वाले वीडियोस मैं इस चैनल पे लाते रहती हूँ। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और भी प्रेगनेंट लेडीज़ की हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।